Biddle and Tatum. So there are two scientists, Biddle and Tatum, who proposed this hypothesis. One gene, one enzyme hypothesis. ठीक है? तो उन्होंने ये बताया कि एक पर्टिकुलर जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जीन से गवर्न होता है या कंट्रोल होता है. क्लियर? या हम रिपोर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करता है. वो जो जीन है, सॉरी एंजाइम जो है, पर्टिकुलर एंजाइम, वो एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे को कैटालाइज करता है. समझ आया? जीन, तो पर्टिकुलर जीन है, वो एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है, वो एंजाइम एक पर्टिकुलर पाथवे को कैटालाइज करता है. ठीक है? क्लियर? ये बात याद रखनी है. ये वन जीन वाले एंजाइम का बेस है कि एक जीन एक एंजाइम को बनाएगा, वो एंजाइम एक पर्टिकुलर पाथवे को या बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है. क्लियर? तो हमें ये तो पता लग गया है कि जो एंजाइम्स हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, जीन से कंट्रोल होते हैं, या जीन कंट्रोल करता है किसको, एंजाइम्स को कंट्रोल करता है. और हमें ये भी पता है एंजाइम एक रिएक्शन को स्पीड को या एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर? तो ये काम में समझ में आ ही जाता है. लेकिन उन्होंने कैसे प्रूव किया, बिडल एंड टैटम ने उन्होंने प्रूव कैसे किया कि वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम. ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म दिया जिसका हम बोलते हैं क्या, न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस. ठीक है? तो जिसको हम कॉमनली बोलते हैं क्या, पिंक ब्रेड मॉल्ड. न्यूरोस्पोरा कैसा, पिंक ब्रेड मॉल्ड. तो एक फंजाई होती है, एस्कोमाइसिटिस का मेंबर होता है. ठीक है ना? तो न्यूरोस्पोरा में जब उन्होंने एक्स रे का ट्रीटमेंट दिया, इसका एक्स रे का, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिशनल म्यूटेंट मिले. क्या मिले? न्यूट्रिशनल म्यूटेंट. यहां पर लिख देता हूं, न्यूरोस्पोरा को हमने क्या दिया, एक्स रे. उसको क्या ऑब्जर्व हुए, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट. ठीक है? न्यूट्रिशनल मोमेंट म्यूटेंट, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व ड्रॉप. ऑब्जर्व ड्रॉप टर्म होती है ऑब्जर्व ड्रॉप. ऑब्जर्व ड्रॉप किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल की कोई किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है. तो मतलब न्यूट्रिशनल म्यूटेंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व ड्रॉप. फॉर एग्जांपल हमारी बात करें, अगर हमारे घर किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की या फैट की या फिर कोई भी अदर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी है, न्यूक्लिक एसिड की कोई भी हो सकता है, उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हमारे अंदर, ठीक है, तो हम हीमोग्लोबिन के लिए क्या हो गए, ऑब्जर्व ड्रॉप. ठीक है? तो मुझे क्या बोला जाएगा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑब्जर्व ड्रॉप. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो विटामिन ए ऑब्जर्व ड्रॉप. जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है उसको उसके लिए क्या बोल देते हैं, ऑब्जर्व ड्रॉप. ये याद रखना है. ठीक है? तो जो ऑब्जर्व ड्रॉप है वो नेचुरल जो मीडियम होता है, ग्रोथ मीडियम जो होता है कि जिस पर हम लोग फंजाई को ग्रो करते हैं, तो नेचुरल मीडियम पर ये ग्रो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या है, डेफिशिएंसी होती है. बस इतना याद रखना है कि एक्सरे को ट्रीटमेंट देके बिल्डर एंड टैटम को न्यूरोस्पोरा के बहुत सारे क्या मिले, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट, जिनको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व ड्रॉप. क्लियर? अब ऑब्जर्व ड्रॉप में जो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट है उसको तो बोलते हैं ऑब्जर्व ड्रॉप, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेफिशिएंसी है. और जो वाइल्ड टाइप होता है, वाइल्ड टाइप मतलब जो नॉर्मल होता है, जिसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सभी टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ. प्रोटोट्रॉफ. क्लियर? ऑब्जर्व जो होता है, अगर हम उसको नॉर्मल मीडियम पर ग्रो करते हैं, ऑब्जर्व ड्रॉप मतलब फंजाई, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, अगर हम उसको नॉर्मल मीडियम पर ग्रो कराते हैं तो ग्रो नहीं करता, जबकि प्रोटोट्रॉफ जो है वो नॉर्मल मीडियम पर, मिनिमल मीडियम पर, मतलब रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज कर लेता है सब्सटेंसेस को. ठीक है? सब्सटेंसेस को क्या कर लेता है, ये सिंथेसाइज कर लेता है, और ये सिंथेसाइज नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर किसी पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और इसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो एक्सरे का ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ये तो नॉर्मल वाइल्ड टाइप.
जिस एंजाइम को गवर्न कर लेते हैं वो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। क्लियर? इस तरह से ये तो मिनिमल मीडियम पर ग्रो करता है। किसे ग्रो करता है? मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम किसको बोलते हैं? जैसे कि नॉर्मल शुगर, सॉल्ट, बायोटिन, ये सब चीजें, ठीक है? तो मिनिमल मीडियम उसको बोलते हैं हम ग्रो कैन, कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडियम। ठीक है, तो ये नॉर्मल मीडियम पर ग्रो करके क्या बना लेता है, अपने सब्सटेंस बना लेता है। यहाँ हम जो पढ़ेंगे पर्टिकुलरली वो पढ़ेंगे आर्जिनिन। एक प्रोटीन अमीनो एसिड होता है आर्जिनिन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको सबको पता है। तो एक आर्जिनिन को फॉर्म करता है, इसको आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन प्रेजेंट करता है इसको आर्जिनिन। तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। तो वर्ल्ड का जो प्रोटोट्रोफ होता है वो मिनिमल मीडियम को यूज करके अपना प्रोटीन या आर्जिनिन सिंथेसाइज कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। क्लियर? ये तो था हमारे पास वाइल्ड टाइप। अब आ जाते हैं हम किस पर, हमारे म्यूटेंट पर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ऑक्सोट्रोफ। जो ऑक्सोट्रोफ है, म्यूटेंट है, उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके जो एंजाइम्स हैं, इसके एंजाइम नॉर्मल है, इसके एंजाइम क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाते हैं, म्यूटेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीन म्यूटेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन पाता है, एंजाइम नहीं बनेगी तो ये आर्जिनिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। क्लियर? आर्जिनिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये कैसा है, आर्जिनिन डेफिशिएंट। इसमें क्या हो जाएगी, आर्जिनिन की डेफिशिएंसी। क्लियर? ये आर्जिनिन को तभी सिंथेसाइज करता है, कर पाएगा, जब इसको हम कंप्लीट मीडियम दें। कौन सा मीडियम दें? कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम मतलब या तो आर्जिनिन दें, या आर्जिनिन से पहले वाला कोई सब्सटेंस ऐसा दें जो आर्जिनिन को सिंथेसाइज कर सकता है। क्लियर? तो ये सिर्फ कंप्लीट मीडियम पर ग्रो करके आर्जिनिन को फॉर्म करेगा, वो मिनिमल मीडियम पर भी आर्जिनिन को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ऑक्सोट्रोफ और प्रोटोट्रोफ। समझ आया? तो ब्रीडर एंड टैटम ने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और इसका जो बायोकेमिकल पाथवे था उसको स्टडी किया डिटेल में। तो उन्होंने पाया कि जो ऑक्सोट्रोफ होता है उनके पास तीन टाइप के ऑक्सोट्रोफ अवेलेबल हुए, ठीक है। एक तो ऑर्निथिन का ऑक्सोट्रोफ, ऑक्सोट्रोफ मतलब जिसमें डेफिशिएंसी है। ऑर्निथिन के लिए एक्चुअल में इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्जिनिन बायोकेमिकली कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। आर्जिनिन नॉर्मली अमोनियम और शुगर से, ठीक है, कंबाइंड होकर ऑर्निथिन बनाता है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, जो 11th में पढ़ा होगा आपने। ऑर्निथिन सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है, अदर केमिकल मॉलिक्यूल, और सिट्रुलिन फिर से आर्जिनिन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से अमोनियम और शुगर से आर्जिनिन बनता है, ये एक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन ऑक्सोट्रोफ। क्लियर? तो बिडल एंड टैटम ने क्या किया, बिडल एंड टैटम ने किया कि अगर हम उस फंजाई को जो कि आर्जिनिन ऑक्सोट्रोफ है, आर्जिनिन ऑक्सोट्रोफ, ठीक है, तो उसको अगर हम सिट्रुलिन देते हैं, नॉर्मली आर्जिनिन तो प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन की डेफिशिएंसी है, तो अगर उसको आर्जिनिन देंगे तो ग्रो करेगा, आर्जिनिन देंगे तो ग्रो करेगा, आर्जिनिन की डेफिशिएंसी उसमें नहीं होगी। लेकिन अगर सिट्रुलिन देंगे तो उससे आर्जिनिन नहीं बन पाएगा। ऐसे ही सिट्रुलिन वाले को अगर सिट्रुलिन देंगे तो ग्रो करेगा, लेकिन ऑर्निथिन देंगे तो नहीं ग्रो करेगा। ऐसे ऑर्निथिन को
होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, ऑक्सोट्रॉफ रिक्वायरिंग ऑर्निथिन फॉर इट्स ग्रोथ डज नॉट कंटेन आर्जिनिन, ठीक है। जो ये है ऑर्निथिन ऑक्सोट्रॉफ, तो इसके अंदर आर्जिनिन तो होगा ही, क्यों आर्जिनिन बनना है यहां पर, ऑर्निथिन बनना है यहां पर, तो ऑर्निथिन ऑक्सोट्रॉफ जो होगा सिंपल। ऐसे ही केस किसमें है, सिट्रुलिन में, तो जब सिट्रुलिन ऑक्सोट्रॉफ को, ठीक है, सिट्रुलिन ऑक्सोट्रॉफ में भी आर्जिनिन फॉर्म नहीं होगा, अगर इसको मिनिमम मिनिमम तो कराते हैं तो इसमें भी आर्जिनिन फॉर्म नहीं होगा और इसकी भी क्या हो जाएगी डेथ। और अगर हम इसको सिट्रुलिन प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हमें आर्जिनिन और स्टेमिन में हमें आर्जिनिन फॉर्म होगा और ऑर्निथिन भी मिलेगा, क्या मिलेगा ऑर्निथिन, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला आर्जिनिन ऑक्सोट्रॉफ है, ठीक है, इसमें सिर्फ आर्जिनिन की डेफिशिएंसी है, लेकिन इसके अंदर सिट्रुलिन भी होता है और ऑर्निथिन भी होता है, इसका मतलब प्रीकर्सर तो प्रेजेंट है लेकिन सिट्रुलिन से आर्जिनिन नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर स्टेप है इसी में कुछ म्यूटेशन में कोई चेंज हुआ है जिसके वजह से आर्जिनिन नहीं बन पा रहा। तो अगर हम इसको आर्जिनिन देते हैं तो ये ग्रो कर जाता है, अदरवाइज इसकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस बायोकेमिकल पाथवे से हमें ये पता लगता है कि बिडर एंड टटर ने ये प्रूव किया, ठीक है, कि जब हम ऑर्निथिन ऑक्सोट्रॉफ लेते हैं और उसको ग्रो कराते हैं इन मिनिमल में, तो उसके अंदर पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, और वो ऑर्निथिन सिंथेसाइज नहीं कर पाता। सिट्रुलिन वाले में भी म्यूटेशन होती है और एक पर्टिकुलर एंजाइम गवर्न करता है, ठीक है, अगर सिट्रुलिन देते हैं तो ऑर्निथिन तो बनता है प्रेजेंट होता है लेकिन आर्जिनिन नहीं बन पाता, तो ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डेथ हो जाती है इसकी, ऐसे ही आर्जिनिन के केस में। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है, कंक्लूजन ये है कि एवरी स्टेप ऑफ दिस पाथवे इज गवर्न्ड बाय अ डिफरेंट एंजाइम, ठीक है, और उनके अंदर डिफरेंट म्यूटेशन भी हो रही है, क्लियर। अगर ये एंजाइम सी है इसमें म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन ये बोलेंगे तो सिर्फ हमारे पास सिट्रुलिन और ऑर्निथिन तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ये आर्जिनिन नहीं होगा। अगर हमारे पास एंजाइम डी में म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो ऑर्निथिन प्रेजेंट होगा, सिट्रुलिन और आर्जिनिन नहीं होगा। और अगर हमारे पास एंजाइम ए में म्यूटेशन होती है तो ना तो ऑर्निथिन मिलेगा, ना सिट्रुलिन मिलेगा, ना आर्जिनिन मिलेगा, सिर्फ अमोनियम शुगर प्रेजेंट होगा। तो एवरी स्टेप इज गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक एंड डिफरेंट एंजाइम, ठीक है, व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय ए डिफरेंट एंड स्पेसिफिक जीन। इस तरीके से उन्होंने बताया कि वन जीन वन एंजाइम कंट्रोल कर रहा, मतलब कि ये एंजाइम एक अलग ए जीन से कंट्रोल होगा, एंजाइम बी बी जीन से कंट्रोल होगा, एंजाइम सी सी जीन से कंट्रोल होगा, ठीक है, एंड सी जीन की म्यूटेशन को म्यूटेशन ए बोल सकते हैं या कोई भी म्यूटेशन आप देख सकते हैं, ए बी सी डी तो हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ एक सेपरेट म्यूटेशन होगी तो एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी म्यूटेशन होगी लेकिन दूसरे जीन में, तो दूसरे जीन में यहाँ पर म्यूटेशन हो रही है थर्ड वाले जीन में, तो ये थर्ड जीन होगा। तो देयर आर थ्री जीन्स एंड थ्री एंजाइम्स गवर्निंग दिस बायोकेमिकल पाथवे। लीडर एंड टैटम रीजन दैट डिफेक्टिव एंजाइम्स आर ड्यू टू डिफेक्टिव और म्यूटेंट जीन्स, ये डिफेक्टिव जो एंजाइम है वो किसकी वजह से है, डिफेक्टिव जीन्स की वजह से, ठीक है।
In 1948, Biddle and Dutton proposed that the gene controls the synthesis of one enzyme. तो इन्होंने ये बताया कि जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करता है, एंजाइम को सिंथेसाइज करता है. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. लेकिन ये बहुत पहले के कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो कि अब हम लोग इसके ड्रॉबैक या डिफेक्ट कहेंगे. और ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती, इसीलिए इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म पर ये अप्लाई नहीं होती है, ठीक है. तो ये था हमारा वन जीन वन एंजाइम, आप किसी नॉस बना सकते हैं. उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ बोर्ड पर देख के काम नहीं चलेगा, बुक से पढ़ेंगे तो अच्छे से. तो डिफेक्टिंग वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. फर्स्ट आता है यहाँ पर, ऑल जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम्स और देयर कंपोनेंट्स, सम ऑफ देम कंट्रोल अदर जीन्स. यहाँ पर क्या था फर्स्ट, और जीन्स डज नॉट कंट्रोल एंजाइम्स, ठीक है. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, एक जीन एक एंजाइम को कंट्रोल करता है. लेकिन जैसे कि एडवांसमेंट हुआ है, इसका एक्सेप्शन है कि ऑल जीन्स डज नॉट कंटेन एंजाइम और देयर कंपोनेंट, ठीक है. सभी जीन सिर्फ एंजाइम को कंट्रोल नहीं करते, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अदर जीन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है. तो ऐसे जीन, फॉर एग्जाम्पल जीन है, ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा या एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा किसी दूसरे जीन को, ठीक है. तो यहाँ पर एंजाइम तो आया नहीं, ठीक. ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, जो दूसरे जीन को एक्सप्रेस कराता है, सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है. तो ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जो एक जीन दूसरे जीन का अफेक्ट करता है, तो इसमें एंजाइम नहीं आता, क्लियर. तो ये एक्सेप्शन है. सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास, हमने पढ़ा वन जीन वन एंजाइम कंट्रोल करता है, इसका मतलब जीन सॉरी एंजाइम जो होते हैं वो जीन से गवर्न होते हैं. लेकिन ऑल एंजाइम्स आर नॉट ऑफ प्रोटीनेशन नेचर, और ना ही सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं. ये भी हमें आपको पता लग चुका है कि सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं, पहले बार में होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं. लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, हमें ये पता लगा कि कुछ एंजाइम जो होते हैं, सब एंजाइम्स आरएनए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है. तो इधर ना तो प्रोटीन है, क्लियर. लेकिन ये भी किससे कंट्रोल होता है, जीन से कंट्रोल होता है. तो ये भी क्या है, इसका ड्रॉबैक या एक्सेप्शन, वन जीन वन एंजाइम, समझ आया. सम आरएनए आल्सो एग्जिबिट एंजाइम एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया, राइबोसोम में आपने पढ़ा, आरएनए से पढ़ा है, और वो सारे हैं जो जब हम लोग पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग पढ़ता है, तो स्प्लाइसिंग में आरएनए ऐसे एंजाइम वर्क करता है. नेक्स्ट आ जाता है इसमें, प्रोटीन और एंजाइम मॉलिक्यूल मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ
पॉलीपेप्टाइड। यहां पे हम फार्मा वन जीन एक वन एंजाइम को कंट्रोल करेगा, लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स और एंजाइम, जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम पूरा एक यूनिट हो, ठीक है? सो दे मे कंटेन मैनी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है? अब एक पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है, जिसको एक डिफरेंट जीन कंट्रोल कर सकता है, तो दूसरी पॉलीपेप्टाइड को दूसरा जीन कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे तीन से चार जीन वाले पॉलीपेप्टाइड एक एंजाइम को फॉर्म कर सकते हैं, प्रोटीन को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाली हेल्प चीज क्या हो जाती है, रोम बन जाती है कि वन जीन वन एंजाइम होता है, ठीक है? एक एंजाइम एक जीन से गवर्न होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा जीन से एक एंजाइम गवर्न हो सकता है। तो ये तो थे इसके ड्रॉबैक्स, क्लियर? नोट कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, इसको रफ कर लेता हूँ। पॉलीपेप्टाइड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है
example beta, the synthesis of the two types of polypeptide is controlled by the two different genes situated on different chromosomes. ये जो दोनों हैं, ये दो different genes हैं, ठीक है? Gene और इसका gene जो होगा, वो different chromosome पर है. For example, ये हमारे लिए chromosome 5 पर, अब ये मानते हैं chromosome. मान रहा हूँ ये real fact नहीं है, मैं सिर्फ मान रहा हूँ, ठीक है? ये आपको मान लेते हैं. तो different क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन प्रेजेंट है लेकिन प्रोटीन को एक कोई कोड कर रहा है लेकिन कितने कोड कर रहे हैं फोर. तो इससे भी प्रूव होगा कि एक जीन एक टाइप की पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करेगा अल्फा को लेकिन दो अल्फा है हमारा ये बीटा को दो बीटा तो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे हीमोग्लोबिन को मॉलिक्यूल बनाता है ठीक है. देयरफॉर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज चेंज्ड टू वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस ठीक है. तो यहाँ पर एक हम कंप्लीट हो जाती है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस. ये याद रखना है एग्जांपल जरूरी है याद रखना. नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाते जीन वर्सेस स्ट्रॉन्ग. अब एडवांस जेनेटिक्स में ठीक है एडवांस जेनेटिक्स है उसमें हम जीन क्लोन यूज नहीं करते हैं हम लोग क्लोन यूज करते हैं सिस्ट्रॉन. और हमारा टॉपिक है जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन. जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन ठीक है. तो आपको पता है कि जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है ठीक है डीएनए का पार्ट होता है समझ आया. और ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है तो सिस्ट्रॉन क्या होता है. अब बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो कि नॉन कोडिंग जीन होते हैं मतलब डीएनए का पार्ट होता है क्लियर और इंफॉर्मेशन सोर्स भी होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते नॉन एक्सप्रेशन जीन बोलते हैं ठीक है. कुछ ऐसे तो जो प्रोटीन को कोड ही नहीं करते एमआरएनए बनाते लेकिन प्रोटीन को कोड नहीं करते प्रोटीन को कोड भी करता है तो वो फंक्शनल नहीं होती है समझ आया. उसके अलावा कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हेटरोक्रोमेटिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं और हेटरोक्रोमेटिक रीजन एक्सप्रेस नहीं होता है क्लियर तो उनका प्रोटीन नहीं बन पाता समझ आया. इसके अलावा सिस्ट्रोन जो काम है सिस्ट्रोन हम उस डीएनए सेगमेंट को बोलते हैं जो कि एक न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट बना होता है और एक फंक्शनल प्रोटीन को फॉर्म करता है फंक्शनल प्रोटीन को तो उसको लिए पर्टिकुलर सिस्ट्रोन टर्म यूज करते हैं. और अगर डीएनए का पार्ट है ठीक है और न्यूक्लियोटाइड से मेटअप है लेकिन एक्सप्रेस हो सकता है और नहीं हो सकता है तो अल्टरनेट फॉर्म क्या उसकी सिस्ट्रॉन. लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं होगा तो जीन बोलते हैं तो भी जीन बोलते हैं लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं होगा तो उसको सिस्ट्रॉन नहीं बोल सकते ओनली एक्सप्रेसिबल जीन फॉर्म सिस्ट्रॉन बोलते हैं ठीक है. तो आपको पता है जीन में म्यूटेशन हो सकती है हाउएवर म्यूटेशन कैन अगर इवन इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड या भी आपको पता है कि म्यूटेशन तो पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकती है जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें सिकल सेल एनीमिया में ठीक है वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर में होती है या न्यूक्लियोटाइड में होती है. तो ग्रेटर देन कैपिटल डिफाइन जीन टू बी अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल दैट स्पेसिफाई अ सिंगल एंजाइम ये ब्रिटेन के आटम ने बता दिया था. मीनवाइल इट वाज फाउंड दैट हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज डीएनए ये सबको पता है और डीएनए इज अ सेगमेंट ऑफ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. तो एक साइंटिस्ट थे योनोफ्स्काई ठीक है. योनोफ्स्काई एट ऑल ने क्या बताया फाउंड दैट द जीन स्पेसिफाइज ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड ये वन जीन वन है पॉलीपेप्टाइड बताया उन्होंने ये पढ़ा चुका हूँ आपको. डीएनए नॉट ओनली स्पेसिफाई द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड थ्रू एमआरएनए बट ऑल्सो सिंथेसाइज अदर एमआरएनए ये मैं यहाँ पर लिखा हुआ है. तो डीएनए है वो सिर्फ एमआरएनए बनाता है उसके बाद प्रोटीन बनाता है. उन्होंने ये बताया कि डीएनए सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बनाता
क्या बनेगा जो टीआरएनए का आरएनए की फॉर्म एक्सप्रेस हो रहा है. Therefore, the term gene is nowadays being replaced by cistron. Cistron is a segment of DNA consisting of a stretch of base sequence that code for a polypeptide chain. तो cistron क्या होता है? एक DNA का particular stretch segment जो एक particular polypeptide को control करता है. मतलब functional polypeptide को control करेगा. या ट्रांसफर आरएनए कंट्रोल कर सकता है या आरएनए कंट्रोल कर सकता है इंफॉर्मेशन होती है इसमें. ठीक है. और परफॉर्म एनी अदर स्पेसिफिक फंक्शन इन कनेक्शन विद ट्रांसक्रिप्शन. मतलब जिसका रोल ट्रांसक्रिप्शन में हो उसको फॉर्म कर सकता है कौन? सिस्ट्रॉन. और जीन का मैंने अभी आपको बताया जीन नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं. डीएनए के हर पार्ट को जीन बहुत सकता है लेकिन नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं. हेटरोक्रोमेटिक में रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं या नॉन फंक्शनल प्रोटीन को भी फॉर्म कर सकते हैं. इस तरह से सिस्ट्रॉन हमारा फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का जो एक पर्टिकुलर फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करता है. क्लियर. इस तरीके से जीन के लिए अभी हम सिस्ट्रॉन टर्म यूज करते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो यूजेबल सब्सटेंस है जैसे आरएनए टीआरएनए एमआरएनए वो फॉर्म करता है. क्लियर. तो हमारा ये सिस्ट्रॉन और जीन क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे.